हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का पहला दिन और आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूं कंडीशनल सेंटेंसेस के 4 एडवांस रूल्स, जो आपका आसानी से कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। अब इन्हें सीखकर आप कमाल कमाल के कंडीशनल सेंटेंसेस बना सकते हैं, फिर चाहे वो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ जाए या फिर किसी भी और दूसरी परीक्षा में आ जाए, तो आज आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर 4 बेहतरीन रूल सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज पहले दिन मैं आपको सिखाता हूं 4 तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस एडवांस लेवल के। आओ सबसे पहले वाले की बात करते हैं और पहला वाला है साइंटिफिक फैक्ट्स एंड यूनिवर्सल ट्रुथ। अब भैया, ये जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, अगर इसमें कोई ऐसा सेंटेंस हो जो या तो साइंटिफिक फैक्ट हो यानी वैज्ञानिक तर्क हो या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ हो यानी कि दुनिया की कोई सच्चाई हो, तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए फॉर्मूला है सबसे पहले इफ, उसके बाद वाला बनेगा सिंपल प्रेजेंट में, फिर एक कॉमा और फिर दूसरा वाला भी सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। अब वैसे तो रूल देख के आप समझ गए होंगे लेकिन फिर भी खोल खोल के समझा देता हूं, वैसे भी एडवांस क्लास ही है, इतना तो तुम्हें आता ही होगा। देखो भैया, ये इफ पहले से लगेगा क्योंकि कंडीशनल में इफ जरूर आता है, अगर ये हुआ तो वो होगा, अगर मैं आया तो मैं जाऊंगा, ऐसे ऐसे, तो इफ लिखेंगे। उसके बाद वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, फिर एक कॉमा लगा के उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा। यानी कि जो साइंटिफिक फैक्ट होगा या फिर जो यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, इसमें एक ही सेंटेंस में दो होते हैं हमेशा, तो दोनों हमेशा सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बनेंगे। अब किसे कहते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स? अरे वैज्ञानिक तर्क होते हैं ना, जैसे तुम धूप में बैठोगे तो तुम्हारी स्किन जल जाएगी, और तुम विटामिन की गोलियां खाओगे तो तुम्हारे चेहरे पे रौनक आएगी, स्किन अच्छी हो जाएगी, या फिर तुम दूध में नींबू निचोड़ोगे तो दूध फट जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है? ये साइंटिफिक फैक्ट्स है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अच्छा मान लो दूध में नींबू निचोड़ेंगे फटेगा नहीं फटेगा, तो फटेगा, इसे दुनिया जानती है, तो ये एक फैक्ट है, ये एक ट्रुथ है। अगर हम धूप में बैठेंगे तो हमें विटामिन मिलेगा, हमें जो भी किरणों से मिलता है, तो ये साइंटिफिक फैक्ट है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। या फिर जैसे आप कहें क्या कहें, जैसे एक तो खोपड़ी में एग्जांपल नहीं आते, हाँ जैसे अगर तुम हरी सब्जियां खाओगे तो तुम्हारी बॉडी बनेगी, ये भी साइंटिफिक फैक्ट है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। और अगर मैं कहूं अगर तुम जाओगी तो मैं नहीं आऊंगा, अब ये क्या यूनिवर्सल ट्रुथ है या साइंटिफिक फैक्ट है? तो ये इसमें नहीं आएगा। आओ अब एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे मुझे कहना है जल्दी आ जा, हाँ जैसे अगर तुम बर्फ को गर्म करोगे वह पिघल जाएगी, अगर तुम बर्फ को गर्म करोगे वह पिघल जाएगी। तो भैया यहां पर देखो अगर लिखा हुआ, अगर से पहचान जाएंगे कि ये कंडीशनल है। अब कौन सा वाला कंडीशनल है? तो अगर तुम बर्फ को गर्म करोगे तो वह पिघल जाएगी, इसका मतलब ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। मतलब दुनिया में ऐसा कोई होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि बर्फ को गर्म करेंगे तो वो पिघलेगी नहीं पिघलेगी? सबको पता है, इसी को तो यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, जो पूरी दुनिया को पता हो। दूध को गर्म करेंगे, अफ्रीका का बच्चा है वे बेटे इधर, दूध को गर्म करेंगे तो क्या होगा? ए परमाणु बम फटेगा, बी न्यूक्लियर बम फटेगा, सी दूध ऊपर आएगा, तो कहेगा चाचा मैं इंडियन ही हूं और दूध ऊपर आएगा, ऐसे मत बोलो। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सबको पता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। सेंटेंस पे आते हैं, अगर तुम बर्फ को गर्म करोगे तो वह पिघल जाएगी, इसमें दो सेंटेंस है, अगर हटा दो, तुम बर्फ को गर्म करोगे वह पिघल जाएगी, तो दोनों ही सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट बनेंगे क्योंकि साइंटिफिक फैक्ट्स और आपके यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो वो सिंपल प्रेजेंट बनते हैं। तो चलो गागी के तो भले ही आ रहा है लेकिन बिल फिल कुछ नहीं लगाएंगे, आओ बनाते हैं। अगर इफ तुम बर्फ को गर्म करोगे, यू हीट आइस, हीट माने गर्म करना, बर्फ यानी आइस, तो यहां पे देखो करोगे के लिए यू विल हीट आइस नहीं लिखा मैंने, सिंपल प्रेजेंट बना दिया यू हीट आइस, यानी तुम बर्फ को गर्म करते हो, ये ऐसे हो गया। तो कंडीशनल सेंटेंस में तो के लिए कुछ नहीं लगाते, वह कॉमा लगा के काम बन जाता है, वह पिघल जाएगी। अब यहाँ पे फिर से घी आ रहा है, तुम सोचोगे वह के लिए ही लगाए शी लगा, भाई निर्जीव है इट लगाओ, इट विल पिघलने को क्या कहते हैं मेल्ट, हाँ इट विल मेल्ट, विल फिल नहीं, फिर दोबारा से सिंपल प्रेजेंट में बनाओ इट मेल्ट्स, पिघलना मेल्ट, इट सिंगुलर था इसलिए ऐसा लगाना पड़ा, शुरू में यू सिंगुलर नहीं था इसलिए वहां पे हीट में ऐसे नहीं लगा, वरना राम श्याम रानी पानी कुछ होती तो वहां पर भी ऐसा लग जाता। तो इफ यू हीट आइस, अगर तुम बर्फ को गर्म करोगे इट मेल्ट्स, तो ये पिघल जाएगी, ऐसे बनेंगे। तो कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ होगा वो ऐसे बनेगा। अब भैया देखो,
लगा दो। हाँ, अब यहां पर कुछ और सेंटेंसेस हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जिनको मैंने आपको बनाकर दिखाया है। इसका अभी खत्म नहीं हुई है वीडियो, ये एडवांस लेवल है, इसे ज्यादा एडिटिंग करनी पड़ती है। देख लो इन्हें सेंटेंसेस को ध्यान से देखना और इन पर देखो एज ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, भले ही गागी ये कुछ भी आए लेकिन किसमें बने, सिंपल प्रेजेंट में। अब भैया नेक्स्ट वाले पर नजर मारो, और भैया नेक्स्ट वाला है फ्यूचर सिचुएशंस। अब फ्यूचर सिचुएशंस कंडीशन सेंटेंसेस की दूसरी कैटेगरी है। अभी इससे पहले वाले साइंटिफिक फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रुथ थे, ये फ्यूचर सिचुएशन सुनो। मतलब कोई ऐसी बात कह रहे हैं आप कि अगर ऐसा हुआ तो मैं फ्यूचर में ऐसा करूंगा, अगर वैसा हुआ तो मैं फ्यूचर में वैसा करूंगा। जैसे मान लो अगर बारिश आई तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, अगर मम्मी खाना बनाएंगी तो भैया मैं बाहर खाना नहीं खाऊंगा, मम्मी के हाथ का खाना खाऊंगा। फ्यूचर की बात हो रही है, अभी बनाए मम्मी ने, कह रहा है पहले से ही भैया अगर आज केबल वाला नहीं आया ना हम केबल हटवा देंगे। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यानी अभी आया नहीं, अगर नहीं आया तो हटवा देंगे। भाई देखो अगर तुम वीडियो को लाइक नहीं करोगे ना तो कुछ भी नहीं करूंगा मैं, नेक्स्ट वाली वीडियो फिर से अपलोड कर दूंगा कल, बेशर्म तो वैसे ही हूं मैं। तो यहां पे ये क्या हो रहा है, फ्यूचर बताया जा रहा, फ्यूचर सिचुएशन है। अब फ्यूचर सिचुएशन के लिए फॉर्मूला सुनो, सबसे पहले इफ, उसके बाद वाला सिंपल प्रेजेंट बनेगा, फिर एक कॉमा लगाएंगे और उसके बाद वाला विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बनेगा। यानी साइंटिफिक वाले में दोनों सिंपल प्रेजेंट बनने थे, इसमें पहला वाला सिंपल प्रेजेंट बनेगा लेकिन बाद वाला विल में बनेगा फर्स्ट फॉर्म के साथ। आओ एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मुझे कहना है अगर तुम आओगे तो मैं नहीं आऊंगा, अगर तुम आओगे तो मैं नहीं आऊंगा। देखो भैया साफ बात है, अगर तुम आओगे तो ये फ्यूचर सिचुएशन पहली बता रहा हूं, मैं नहीं आऊंगा। तो यहां पे सेंटेंस में देख रहे हैं फ्यूचर सिचुएशन बता रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो फ्यूचर में यह सिचुएशन होगी। भैया मुझसे मत कहियो, अगर तुम आओगे, आओ इसे बनाते हैं, तो अगर तुम आओगे को गागी के भले ही आ रहा है लेकिन विल में ले जाएंगे। पहला वाला हमें प्रेजेंट बनाना सिंपल में, सो इफ यू कम, अगर ही होता ही कम्स, शी कम्स, दे कम्स, फे कम्स, ऐसे हो जाता, नहीं दे के साथ ऐसे नहीं लगता, आई यू दे के साथ नहीं लगता, ही शी नेम इट के साथ लगता है। तो अगर तुम आओगे, इफ यू कम, मैं नहीं, तो मैं नहीं आऊंगा, तो के लिए कुछ लगाना नहीं, कॉमे से काम चल जाएगा, मैं नहीं आऊंगा, इसे विल में बनाएंगे, आई नॉट कम, आई विल नॉट कम, इफ यू कम आई नॉट कम। भैया साफ सी बातें सुन लो, ओए ओए ओ भैया, इफ यू कम आई नॉट कम, इफ यू कम आई नॉट कम। अब ऐसे आप खूब सारे बनाओ, अगर मम्मी आप खाना बनाएंगी तो मैं खाना खाऊंगा, इफ मदर कुक्स फूड, इफ मदर कुक्स फूड सिंगुलर है, आई विल ईट द फूड, बेशर्मी की तरह, वो तो ये हो गया। तो इस तरीके से फ्यूचर सिचुएशन बताते हैं। तो फ्यूचर की सिचुएशन जब भी बता रहे हैं तो वहां पर अलग अलग रखना, वो साइंटिफिक फैक्ट है। अब अगर तुम आए तो मैं नहीं आऊंगा, ये कोई साइंटिफिक फैक्ट है, मतलब तुम अफ्रीका वाले बच्चे से फिर से पूछा है, भाई इधर अभी तुझसे दूध वाला पूछा था, तू बता अगर वो आया तो ये आएगा या नहीं आएगा। हो गया भाई चाचा मुझसे क्यों पूछ रहे, मुझे क्या पता, ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ थोड़ी है कि तुम ओबामा हो रहे हो पूरे। तो इसीलिए इसे फ्यूचर सिचुएशन में रखा गया है। और अगर इस बच्चे से हम ये कहते हैं भाई चल दूसरी चीज बता, जैसे अगर हवा चली तो मोमबत्ती बुझेगी या नहीं बुझेगी, तो वो कहेगा अरे तुच्छे सवाल मत पूछो, ऑब्वियसली बुझेगी, ये तो दुनिया जानती है। तो ये पहले वाले में जाएगा, ये साइंटिफिक ट्रुथ हो गया, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, साइंटिफिक फैक्ट हो गया, और ये हो गया हमारा फ्यूचर सिचुएशन। आओ अब नेक्स्ट वाला, नहीं रुक जाओ रुक जाओ, अरे इस पे लगाओ मैडम ये बैठे हुए हैं, ये देखो अब यहां पर कुछ और एग्जांपल्स हैं जो फ्यूचर सिचुएशन पर दिए गए हैं, जिनमें पहला वाला सिंपल प्रेजेंट और उसके बाद वाला किस में बन रहा है, विल में बन रहा है। तो ऐसे सेंटेंस है भैया बहुत कम लोग बना पाते हैं, आप भी बनाना, और मेरी वीडियो पॉज मत करा करो, ऐसी देख लो, बाद में पॉज करना ताकि मजो सा आता रहे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखो, और भैया नेक्स्ट वाला है अनरियल फ्यूचर सिचुएशन। अब देखो इसे अभी इससे पहले सीखा था फ्यूचर सिचुएशन, यह है अनरियल फ्यूचर सिचुएशन। पहले मैं आपको रूल समझाता हूं, फिर मैं इसमें फर्क बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है और ये अनरियल वनरियल क्या होता है। एडवांस भले ही पढ़ा रहा हूं पर देसी में पढ़ा रहा हूं, पूरी चीज बताऊंगा, इसलिए ध्यान से देखना। देखो भैया अगर अनरियल फ्यूचर सिचुएशन होगी, जो कि क्या होती है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, उसके लिए फॉर्मूला है, सबसे पहले इफ पहला वाला सिंपल पास्ट में बनेगा। अब सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, मैंने देखा, आई सॉ, वह गया, ही वेंट, मैं आया, आई केम, ऐसे, और डिड नॉट, फिट नॉट भी आ जाता है। तो सबसे पहले इफ, फिर उसके बाद बनेगा सिंपल पास्ट में, फिर एक कॉमा लगाएंगे और उसके बाद वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें विल नहीं है, वुड है। अब देखो फ्यूचर सिचुएशन तो फ्यूचर की होगी लेकिन बनेगा पहला सिंपल पास्ट में और उसके बाद वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
अब क्या होती है अनरियल फ्यूचर सिचुएशन, तो पहले इससे पहले थी फ्यूचर सिचुएशन जो कॉमन है, अगर बारिश आई तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, अगर ये हम वो चीज कह रहे हैं जो हम करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज होती है बस हम आइडिया लगा लेते हैं, वो हमारा दिल अंदर से नहीं करता, लेकिन हम कहते हैं जैसे अगर मुझे भैया जादुई चिराग मिल जाएगा ना, मैं तो हवाई जहाज बना दूंगा। अब ये बताओ, ये फ्यूचर में कह रहा है मिल जाएगा तो हवाई जहाज बनाएगा, इसे मिलेगा कभी, ऐसा होता क्या? तो ये अनरियल है, ये पॉसिबल ही नहीं है चीज ऐसी, तो भैया ये अनरियल हो गया। जैसे मैं कहूं अगर मैं लॉटरी जीता तो मैं अमेरिका जाऊंगा, अब लॉटरी जीतेगा तो भले ही अमेरिका थोड़ी चला जाएगा, पहले कुछ चीजें खरीदेगा, तो ये बस ऐसी आइडिया फाइडिया लगा रहा है। अगर मेरी बॉडी बन गई तो भैया मैं बहुत सारी मॉडल्स के साथ फोटो वोटो खिंचवाऊंगा, तो ये क्या है, ये सच में होने वाली चीजें नहीं है, ये बस गैस लगाया जा रहा है, ये बस दिल की तमन्नाएं हैं, अनरियल है, यानी कि ऐसी चीज नहीं है जो ये डेली लाइफ में होती है, उसे अनरियल कहते हैं जो डेली लाइफ में ना हो। जैसे बंदा कह रहा था मम्मी खाना बनाएंगी तो मैं खाना खाऊंगा वरना नहीं खाऊंगा, तो ये डेली लाइफ की चीज है, ये तो समझ में आता है। और ये अगर कहे अगर मम्मी मेरे लिए हीरे की अंगूठी लाएगी तो मैं आज रात नहीं सोऊंगा डांस करूंगा, तो ये डेली लाइफ में थोड़ी होता है, ये तो अनरियल चीज है। तो इसी को बोलते हैं अनरियल फ्यूचर सिचुएशन, जो कि रोज ना होती हो, बार बार या लगातार या कई बार ना होती हो, कभी कभार बहुत मुश्किल से होती हो, और होती भी ना हो, बस हमारी ऐसी इच्छा हो, उसे अनरियल फ्यूचर सिचुएशन कहते हैं। आओ जैसे एक एग्जांपल अभी मैंने बोला था उसी में से ले लेते हैं, याद है वो, जैसे अगर मैं लॉटरी जीता तो मैं अमेरिका जाऊंगा, अगर मैं लॉटरी जीता तो मैं अमेरिका जाऊंगा, ये अनरियल सिचुएशन है, क्योंकि लॉटरी जीतना इतना आसान है नहीं, और जीत भी गया तो कौन सा अमेरिका चला जाएगा, क्या पता ये शॉपिंग फॉपिंग करे, और अगर ये कहता अगर बारिश हुई तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, तो ये है रियल लाइफ की चीज, वो लॉटरी वाली रियल लाइफ की चीज नहीं है, वो फिल्मी सी लग रही है थोड़ी। हम कहते थे ना अगर मैं लॉटरी जीता तो मैं गरीबों में बांट दूंगा, अब गरीबों में तुम खुद गरीब हो, तुम खुद ही खा जाओगे, तो अगर मैं लॉटरी जीता तो मैं अमेरिका जाऊंगा, सो ये किसमें हो गया, ये फ्यूचर रियल फ्यूचर सिचुएशन है। सो सबसे पहले इफ लिख दिया जी, उसके बाद है मैं लॉटरी जीता, या मैं अगर मैं लॉटरी जीतूंगा, कुछ भी लिखा होता, जीतता हूं, जीतता, जीतूंगा, तो कुछ भी हो, लेकिन बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। इफ आई वॉन द लॉटरी, आई वॉन विन की सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट बनेगा, इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीता या जीतता हूं, तो के लिए कुछ भी नहीं, कॉमे से काम चल जाएगा, मैं अमेरिका जाऊंगा, गा रहा है लेकिन वुड में बनेगा, आई वुड गो टू अमेरिका, इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड गो टू अमेरिका, इस तरीके से बनेगा। ऐसे तुम कह सकते हो अगर मैं केबीसी में जीत गया ना, मैं गरीबों में पैसे बांटूंगा, तो ये डेली लाइफ वाली चीज नहीं है, तो बस तुम्हारी इच्छा है जो अनरियल है, रियल नहीं है ये। सो इफ आई वॉन केबीसी आई वुड डिस्ट्रीब्यूट मनी इन पुअर इन माई फैमिली चाचा ताऊ वगैरह, तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो गए अनरियल फ्यूचर की सिचुएशन, क्लियर हो गई बात। इसमें भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, अभी सारी समराइज कर दूंगा। अब इस पे सेंटेंसेस देखो, लगाओ जी लगाओ, ये देखो यहां पर कुछ और सेंटेंसेस दे रखे हैं, अब इन सेंटेंसेस को अनरियल फ्यूचर सिचुएशन के हिसाब से बनाया गया है, इन्हें ध्यान से देखो, इनमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो डेली लाइफ में होती हो, सारी ऐसी चीजें हैं जो या तो उम्मीद ऐसी हो रही है, या हमारी विश है, या इच्छा है, या फिर जो पॉसिबल होना आसानी से पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल होना आसानी से मतलब जो होना आसानी से पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है, इन्हें कहते हैं अनरियल फ्यूचर सिचुएशन, और इनको बनाने का फॉर्मूला है मेरी खोपड़ी पे। अब तुम चौथा वाला देखो, और भैया लास्ट वाली कंडीशनल सेंटेंस की वो कंडीशन है डिड नॉट हैपेंड इन पास्ट। डिड नॉट हैपेंड इन पास्ट का मतलब होता है कि पास्ट में कोई चीज ऐसी जो नहीं हुई, तुम उसके बारे में इमेजिन कर रहे हो लेकिन वो हुई नहीं, और अब उसके बारे में अभी मेरी बातें शायद तुम्हें समझ में ना, अभी एग्जांपल के टाइम पे सब समझ में आ जाएगा, तो किसी कोई ऐसी हुई नहीं उसके बारे में बता रहे हो, उसे कहते हैं did not happen in past, जो कि past के टाइम पे नहीं, कुल मिला के से past वाला कह लो, बस बात खत्म हो गई। आओ देखो इसका फॉर्मूला क्या है, फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, फिर समझ में आएगा। तो फॉर्मूला है सबसे पहले इफ, ये इफ जरूर मरेगा, क्योंकि भैया कंडीशनल सेंटेंस का और इफ का रिश्ता ऐसा ही है जैसे वो किसका रिश्ता बताऊंगा तो खामखाई कॉपीराइट आ जाएगा, चलो छोड़ो, समझ जाओ खुद ही, ठीक है। तो सबसे पहले इफ, उसके बाद वाला बनेगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट किसे कहते हैं, तो मेरी बेसिक वाली सीरीज मैंने तुम्हें बताया, हेड वाले को कहते हैं, हेड वाला जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हेड के साथ, उसे पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। तो पहला वाला हेड में बनेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद वाला वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बनेगा। तो इनमें दोनों सेंटेंसेस में थर्ड फॉर्म आना तय है, पहले वाले में हेड, बाद वाले में वुड हैव, पहला वाला पास्ट परफेक्ट में बनेगा, बाद वाला वुड हैव में बनेगा। अब कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो डिड नॉट हैपेंड इन पास्ट होती हैं, जैसे अगर धोनी खेलता तो भैया इंडिया जीतता, तो यहां पर
पर क्या हुआ, धोनी खेला नहीं होगा, इंडिया जीता नहीं होगा। वैसे हमारा भारत हमेशा जीतता है, सिर्फ एक सेंटेंस है। सो अगर धोनी खेलता तो इंडिया जीतता, तो यहां पर क्या दिखाई दिया कि यह हुआ नहीं, ये पास्ट में हैपन नहीं हुआ। अगर तुम बुलाते तो मैं आता, तुमने बुलाया मुझे, फोन तक नहीं करा, इसका मतलब क्या हुआ, बुलाया ही नहीं बेचारे को, ऐसा हो जब तो बोल रहा ही है, ये भी पास्ट में नहीं हुआ। अगर तुम गाजर का हलवा बनाती ना तो सच में मैं झिक के खाता, 4-5 किलो खा जाता, इसका क्या मतलब हुआ, बनाया ही नहीं। अगर बनाता बनाती तो ये खाता ना। अगर तुम जो है क्या नाम है, अगर तुम अक्षय कुमार से मिलते ना तो भाई साहब खुश हो जाते, बहुत अच्छे नेचर का बंदा है, इसका मतलब मिले ही नहीं, कहां से मिले होगे तुम। तो ये सारी चीजें हैं जो पास्ट में हुई, लेकिन क्या हुआ अब उनके बारे में हम प्रेजेंट में बता रहे हैं, और पास्ट में वो बेचारी सक्सेसफुल भी नहीं हो पाई, हैपन भी नहीं हो पाई। आओ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं कहूं अगर तुम पूछते तो मैं बताता, तुमने पूछा मुझसे, अब तुम लड़ रहे हो, मेरे थोबड़े तोड़ रहे हो, तो अगर तुम मुझसे पूछते तो मैं बताता, अगर तुम पूछते तो मैं बताता, तो यहां पे देखो पास्ट में हो गया। अगर ये ऐसा था, अगर तुम पूछोगे तो मैं बताऊंगा, अगर तुम पूछोगे तो मैं बताऊंगा, तो फिर ये फ्यूचर सिचुएशन हो गई, तो ये तो फिर तो आप दूसरा वाला जो मैंने आपको बताया था, लेकिन ये कह रहा अगर तुम पूछते तो मैं बताता, ये पास्ट में चली गई चीज, यानी ऐसा हुआ नहीं। चलो बनाते हैं, अगर के लिए इफ, तुम पूछते पास्ट परफेक्ट बनेगा, यू हैड आस्क्ड, देखो ते जरूर आ रहा है लेकिन परफेक्ट बनेगा, इफ यू हैड आस्क्ड तो मैं बताता, तो के लिए कॉमे से काम चल गया, मैं बताता, आई वुड हैव टोल्ड, इफ यू हैड आस्क्ड आई वुड हैव टोल्ड, तो आपके समझ में आ गया। अब कुछ और एग्जांपल यहां पर आप लगे हुए देख रहे होंगे, अब ये बने हुए हैं आपके वही डिड नॉट हैपन इन पास्ट के ऊपर, जिसे देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी सिचुएशन ऐसी है जो पास्ट में नहीं हो पाई और बंदा उसके बारे में जिक्र कर रहा है। तो ये होती है पास्ट वाली चीजें। अब थोड़े से कंक्लूजन पे आ जाते हैं, तो हमने पहला वाला सीख लिया साइंटिफिक फैक्ट, दूसरा वाला सीख लिया फ्यूचर सिचुएशन, तीसरा वाला सीख लिया अनरियल फ्यूचर सिचुएशन, और चौथा वाला हमने सीख लिया डिड नॉट हैपन इन पास्ट। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो दो में बन जाते हैं और बड़ा दिमाग मत्था उन्हीं को देखकर खराब होता है और आप कंफ्यूज्ड होते हो, टीचर समझा नहीं पाते हैं, कुछ टीचर तो बहुत अच्छे, मुझसे भी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन कुछ नहीं समझा पाते, तो वो सिचुएशन बताता हूं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे मेरा सेंटेंस है, अगर तुम पेट्रोल में पानी डालोगे तो बाइक नहीं चलेगी, अगर तुम पेट्रोल में पानी डालोगे तो बाइक नहीं चलेगी। अब बताओ ये क्या है, ये दो ऑप्शन दे देता हूं, ये फ्यूचर सिचुएशन है या ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो आप ऐसे ज्यादातर लोग कहेंगे साइंटिफिक फैक्ट, अगर तुम पानी पेट्रोल में पानी डालोगे, मिलाओगे पेट्रोल तो बाइक नहीं चलेगी, साइंटिफिक फैक्ट है। कुछ कहेंगे नहीं नहीं ये फ्यूचर सिचुएशन है कि पानी डालोगे तो बाइक नहीं चलेगी। तो मैं आपको बता दूं ये दोनों है, ये डिपेंड करता है कि आप लाइफ में बोल कब रहे हो। मान लो अगर आप किसी को समझाने के लिए बोल रहे हो, हे स्टूडेंट्स आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं केमिस्ट्री, और सुनो अगर आप पानी पेट्रोल में डालोगे तो बाइक नहीं चलेगी, तो ये साइंटिफिक फैक्ट की तरह बता रहे हैं। आप पड़ोसी पानी डाल रहा था बाइक में, आप उसे कह रहे क्या चाचा फू, अगर बाइक में पेट्रोल में पानी डालोगे ना बाइक नहीं चलेगी, सच बता रहा हूं ये 2 मीटर तक नहीं चला। तो ये साइंटिफिक फैक्ट नहीं, आप उसे फ्यूचर की सिचुएशन बता रहे हो। तो एक ही सेंटेंस दो तरीके से भी हो सकता है, तो अक्सर इसी को लेकर झगड़ा हो जाता है, बंदा बना देता है फ्यूचर सिचुएशन, टीचर कहता चल बे इसमें, बंदा बना देता साइंटिफिक फैक्ट में, टीचर कहता है इसे फ्यूचर सिचुएशन में बना, तो फिर वो कंफ्यूज आता है, यार अच्छा खासा समझ में आ गया था कि ये साइंटिफिक फैक्ट है, अब ये फ्यूचर कैसे हो गया, जबकि वहां पर ये नहीं बताया जाता बेटा ये दोनों है, अभी तो लिखा हुआ है तो पता नहीं चल पा रहा है कि ये फ्यूचर सिचुएशन है या साइंटिफिक फैक्ट है, देखने में जो तेरा दिल लग रहा है वही है। तो ये दोनों है, जब तू इसे रियल लाइफ में बोलेगा तब पता चलेगा कि ये है क्या। तो अगर ये अब ये वाला जो सेंटेंस है हम इसी पे होमवर्क देते हैं, चलो ठीक है, इसको दोनों तरीके से बनाना। तो भाई साहब बारी है आपके होमवर्क की, लगाओ आज एडवांस वाला है तो एडवांस ही होमवर्क होना चाहिए, ठीक है। अब ये रहे आपके कुछ सेंटेंसेस, और इसमें 2 सेंटेंसेस वही हैं कि अगर तुम पेट्रोल में पानी वानी जो भी वाला है पढ़ लेना, खुद मेरी इंग्लिश कमजोर है, थोड़ी वीक है, मैं खुद अपनी क्लास से रात को देखता हूं उठ के। तो आप उन्हें 2 तरीके से बनाना, आप उसे साइंटिफिक फैक्ट के तौर पर भी बनाना और फ्यूचर सिचुएशन के आधार पर बनाना, और बाकियों के आगे मैंने लिखा नहीं है कि वो क्या है, वो अपनी मर्जी से आप कैसे भी बना लेना। अब चेक कैसे होगा, तो आप एडवांस में चेक करने का तरीका बदल गया है। सबसे पहले आप क्या करना है कि इस वीडियो को, इस होमवर्क को अपनी नोटबुक में करना, फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इस वीडियो कमेंट बॉक्स, अभी आगे सुनो मजे की चीज आ रही है, अभी चेंज हुआ है थोड़ा, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में करना। अब आप सोचोगे तुम लाइक कर चेक कर दो, गलती हुई तो कमेंट बता दोगे, हां जी, लेकिन इसका आंसर भी दूंगा आपको कैसे, अगले दिन की वीडियो में। तो आज ये जो होमवर्क है इसका जवाब आपको मिलेगा day 2 में, और आप मैच कर लेना, इतने 24 घंटे का आपके पास टाइम है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर ढेर लगा दो, मैं इतने
लाइक कर आपको हर दूंगा। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो हमारी डे वन की, आई एम श्योर आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा एंड आपको मैं एडवांस पढ़ाने जा रहा हूं, आप कुछ मत करना, एक देख जाना।